गिट्टी खदान इलाके में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा एक 45 वर्षीय विधवा को शादी का लालच देने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए गिट्टी खदान पुलिस ने संबंधित निरीक्षक के खिलाफ मारपीट, बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला से नकदी 1 लाख व गहने लिए है, उन्होंने लेकर ये फरार हो गया है, जिसके बाद पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। इस बारे में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। पीड़ित महिला अमरावती के एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है। 2010 में शिक्षक पति की मृत्यु के बाद से वह बेटे के साथ रहती है। उसकी 26 जनवरी 2019 को आरोपी पुलिस निरीक्षक अरविंद भोले से फेसबुक पर पहचान हुई थी। भोले पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात है। 1 साल तक दोनों के बीच चैटिंग होती रही। महिला की शिकायत के अनुसार इंस्पेक्टर ने उसे शादी करने का झांसा दिया और यह महिला शादी के लिए तैयार हो गई। उसके परिजन ने इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन महिला शादी के लिए तैयार हो गई थी। 8 नवंबर 2020 को वर्धा के कौंडल्यपुर में एक धार्मिक स्थल पर इस इंस्पेक्टर ने महिला से शादी कर ली। इसके बाद नंदनवन की एक सोसाइटी में किराए से रहने लगी। कुछ दिन बाद ही इंस्पेक्टर से भेंट करने के लिए संदिग्ध महिलाएं आने लगी। इंस्पेक्टर के साथ शादी करने का पता चलने पर वे महिलाएं हंगामा भी मचाने लगी। इससे बचने के लिए इंस्पेक्टर ने महिला को दूसरे स्थान पर रहने के लिए तैयार किया। नवंबर 2020 में तब ये दोनों फ्रेंड्स कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने आ गए। यह फ्लैट भी शहर पुलिस के एक अधिकारी का बताया जा रहा है। इस अधिकारी से इंस्पेक्टर की मित्रता है। फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आने लग गई थी। इसी दौरान महिला को इंस्पेक्टर के अन्य महिलाओं से भी रिश्ते होने का पता चला था, जिसके बाद से वह महिला से मारपीट करके यातनाएं देने लगा था। उसने महिला को मायके जाने को कहा। परिजनों की मर्जी के विरोध में शादी किए जाने से महिला के लिए माता पिता के पास जाना तब संभव नहीं था। वह यातनाएं सहते हुए भी इंस्पेक्टर के साथ रहने लगी थी। 18 फरवरी को इंस्पेक्टर महिला को छोड़कर अचानक गायब हो गया और उसके 1 लाख रुपए और 3 लाख के गहने लेकर गायब हो गया। यहां तक कि उसने महिला का नंबर अपने मोबाइल में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। महिला ने पड़ोसियों के माध्यम से उससे संपर्क किया, तब उसने लौटने से इनकार करते हुए महिला को वहां से चले जाने की सलाह दी। महिला ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इसकी शिकायत भरोसा सेल के पास भेजी। हफ्ते भर से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद प्रशासन ने भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वरिष्ठ अधिकारियों के पास मामले की शिकायत के बाद तब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की, जिसके बाद शनिवार को गिट्टी खदान पुलिस थाने में इस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मारपीट करने, ब्लॉक कर देना और धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही इस पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। एक पुलिस निरीक्षक बद्दल एक तक्रार एका महिलाची आलेली आहे की त्यांनी त्यांच्यासोबत काही महिन्यापूर्वी लग्न केले होते आणि लग्न केल्यानंतर ते काही दिवसापासून त्यांना फोनवर ब्लॉक केलेले आहे व त्यांच्याशी ते संपर्क करण्याची प्रयत्न करत आहे, परंतु ते प्रतिसाद देत नसल्याबद्दलची फिर्याद आली होती। म्हणून एक बलात्कारची फिर्याद दिसून आल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला। उल्लेखनीय है कि मामले से जुड़ा इंस्पेक्टर पहले जोन 4 के तहत हुड़केश्वर थाने में तैनात था। पुलिस के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी और ठगबाजी करने वाली एक चर्चित महिला की प्रकरण में नाम आने के बाद इस इंस्पेक्टर की बदली नंदनवन में की गई थी और इस महिला की शिकायत आने के बाद उसकी बदली कंट्रोल रूम में कर दी गई थी। इसके बाद भी वह महिलाओं को झांसे में लेने से बाज नहीं आ रहा था। महिलाओं से मित्रता रखने अथवा डोरे डालने को लेकर कुछ अधिकारी पहले भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में इस नए मामले के सामने आने के बाद पुलिस की छवि भी धूमिल हुई है। इस ताजा मामले में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सख्त रुख इख्तियार किया है और गिट्टी खदान पुलिस थाने में मामला दर्ज कर इस पुलिस इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट। We'll be right back.